लड़कियां प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत काम कर रही थी। उन्होंने भी यही सोचा था कि कुछ पैसे कमाकर वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कार्यालय का डायरेक्टर ही उन पर बुरी नजरें डाल देगा। जी हाँ, डायरेक्टर ने काम कर रही हर लड़की से बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन इन लड़कियों ने भी हिम्मत नहीं हारी और मंचले डायरेक्टर को सबक सिखाने के लिए पहुंच गई सीधे थाने। नमस्कार, मैं हूं खुशी पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 10 नेशन की खास खबर। झांसी में रहने वाली ये लड़कियां इंसाफ की गुहार लेकर थाने पहुंची हैं। दरअसल ये मामला झांसी जिले के एलाइट चौराहे का है, जहां मौजूद 48 नंबर चेंबर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कार्यालय चल रहा है। इसी कार्यालय में ये सभी लड़कियां काम कर रही थी। इन लड़कियों का आरोप है कि कार्यालय का डायरेक्टर नवनीत चौहान उन पर बुरी नजरें रखता था और अक्सर ही उनसे भद्दे मजाक किया करता था, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब नवनीत चौहान ने इन लड़कियों का वेतन तक रोक दिया। जी हाँ, लड़कियों की माने तो उन्हें पिछले कई महीनों से सैलरी ही नहीं मिली है, जिससे परेशान होकर ये सारी लड़कियां सीधे महिला थाने पहुंच गई और अपने साथ हुई इस नाइंसाफी की गुहार लगा रही हैं। मैंने सैलरी के बारे में उनसे बात की तो मतलब हर बार हल्का बोल के टाल दिया जाता है उन लोगों को, तो कई दिनों से हम लोग इस सैलरी के चक्कर वहाँ पे जा रहे हैं, तो मतलब हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। केवल सैलरी की प्रॉब्लम है कि और कोई प्रॉब्लम? बहुत सारी प्रॉब्लम है। क्यों नहीं है? उनकी फालतू की बातें सही है, गंदे मजाक सही है, पर्सनल कमेंट सही है, वो सब हमने इसमें लिखा हुआ है। और इनके साथ जो हमारे साथ जो भी हुआ है ठीक है, लेकिन उन्हें भी पता होना चाहिए ना कि उन्होंने किया क्या है। सैलरी नहीं दे रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन हमें चक्कर क्यों कटवा रहे हैं? क्या चाहते हैं? हमें अपनी सैलरी चाहिए और उनसे सॉरी भी चाहिए। औरतों की कोई इज्जत नहीं है सुशांत की नजर में। कोई भी औरत ऑफिस में आती है तो उसके लिए भी उनके मुंह से पर्सनल कमेंट ही निकलते हैं। कोई मोटी है तो वो भैंस है, कोई पतली है तो वो कैसी है। बहुत ही सारी चीजें हैं हमने वहाँ झेली है। हमें सिर्फ अपनी सैलरी के लिए जाना पड़ रहा है। 20 दिन से एक दिन ऐसा नहीं गया है जब उनके ऑफिस के चक्कर नहीं काट रहे हैं। ऑफिस के चक्कर कटवा रहे हैं और सैलरी के नाम पे बोला गया है कि नहीं दूंगा, निकलवा के दिखाओ। इस खबर को हमारे संवाददाता राजीव दीक्षित ने कवर किया है। इन लड़कियों ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी नवनीत चौहान की शिकायत महिला थाने में की है। उन्हें उम्मीद है कि पुलिस नवनीत को सबक जरूर सिखाएगी और यकीनन इन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।